नमस्कार, आईवी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। मुंबई में इंडिया के गठबंधन की बैठक के बाद वापस पटना पहुंचे लालू यादव शनिवार को अपने रथ पर सवार होकर अचानक आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ पार्टी के अन्य लोग भी मौजूद थे। लालू के अचानक आरजेडी दफ्तर पहुंचने के बाद पार्टी के नेता और एक कार्यकर्ता हैरत में पड़ गए। लालू उस जमीन का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे जो सरकार ने आरजेडी कार्यालय के विस्तार के लिए दिया है। दरअसल आरजेडी अपने कार्यालय के विस्तार के लिए पिछले 2 साल से बिहार सरकार से जमीन की मांग कर रही थी, लेकिन एनडीए के शासनकाल में की गई मांग तब पूरी हुई जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और राजद सरकार में आ गई। जेडीयू के साथ सरकार में आने के बाद आरजेडी की मांग पूरी हुई। सरकार ने आरजेडी दफ्तर के ठीक बगल में स्थित प्लॉट कार्यालय के विस्तार के लिए राष्ट्रीय जनता दल को अलॉट कर दिया। पिछले दिन 1000 वर्ग फुट खाली जमीन की चाबी आरजेडी ऑफिस को सौंप दी गई। जमीन मिलने के बाद अब आरजेडी का कार्यालय भी जेडीयू और बीजेपी की तरह बड़ा हो जाएगा। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग स्थित राजद का प्रदेश कार्यालय अब भी भव्य होगा और आरजेडी दफ्तर का विस्तार खाली जमीन पर भी किया जाएगा। सरकार की तरफ से आरजेडी को एक तरह का खाली जमीन के रूप में बड़ा तोहफा मिलने के बाद इसको लेकर सियासत भी खूब हुई। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने भी उस जमीन का जायजा लिया था और अब लालू प्रसाद यादव भी जमीन का मुआयना किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बन रही है हमारे साथ आईवी टीवी पे, धन्यवाद। देखा है, समझा है और अभी जो है जहाँ तस्वीर लालू यादव निकल रहे हैं यहाँ पर, तो आप ये तस्वीरों में देख पा रहे होंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अचानक से आरजेडी दफ्तर लालू यादव पहुँच गए हैं। सीधी तस्वीर लालू प्रसाद यादव किए गए हैं, लालू प्रसाद यादव निकल जाते हैं और आज राजद कार्यालय पहुंचे। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।